लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काट दी तो वो रोते रोते अपने भाई रावण के पास गई। तुम भी अगर रोते हुए तुम्हारे भाई के पास जाना चाहो तो मैं तुम्हारी ही नहीं तुम्हारे भाई की भी नाक काट सकता हूँ। कैसे बुद्धू हो तुम, मैं क्या सूर्पनखा हूँ? तुम्हें रोना जो इतना अच्छा लगता है। मैं क्या खाली रोती हूँ। अच्छा बस बस अब सो जाओ, 9 बज गए हैं, अच्छे बच्चे इस वक्त सो जाते हैं, सो जाओ। नवीन तुम स्कूल जा रहे हो? हाँ, वकील चाचा मुझे ले जा रहे हैं। वकील चाचा? हाँ, मैंने तुम्हें कितने बार कहा कि मुझे स्कूल ले चलो लेकिन तुम नहीं माने। आज वकील चाचा ने खुद आकर कहा कि वे मुझे स्कूल ले जाएंगे। वो मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। और अब नवीन भी धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगा है। मैं जैसे हर रोज और ज्यादा अकेला होता जा रहा हूं। हुजूर, आप लोगों में से कोई खुद आकर अपनी आंखों से अपनी जिम्मेदारी का हाल तो देखिए। इब्राहिमपुर के नायब तुम हो। मेरी बात शायद आपको झूठ भी लग सकती है और यह भी सच है कि किसानों ने लगान नहीं दिया, लेकिन मैं आपको इसलिए आने के लिए कह रहा हूं कि आकर इब्राहिमपुर को बचा लीजिए। हुजूर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा जीवन सरकार के तुम कहना क्या चाहते हो। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना।
इब्राहिमपुर पर पड़ी मुसीबत कहकर नहीं समझाई जा सकती, वो तो देखकर ही समझी जा सकती है हुजूर। जाना तो मुश्किल है, वो कद फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं जाऊंगा। ठीक है, मगर याद रखना उस गांव के लोग झूठे और मक्कार हैं। वो मैं खुद देखकर निर्णय लूंगा। वो कौन है? मैग्रेकर हुजूर, फिरंगी, शैतान फिरंगी। मैग्रेकर, चलो। क्या वो सच में आए हैं? हाँ हाँ, जमींदार बापू खुद आए हैं। तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ भाई, अपनी इन दो आंखों से। वो कैसे हैं? अरे भाई, जमींदार जमींदार जैसे होंगे, और कैसे होंगे। इसके पहले तो हमारे गांव में कोई जमींदार आया ही नहीं, न जाने वो कैसे होंगे। गोरा चिट्टा है, नीली आंखें हैं, देवता ही समझो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम जैसे गरीबों का दुख दर्द वो सुने? इसलिए तो वो आए हैं, हमारे तकलीफों को सुनेंगे और उन्हें दूर करेंगे। लाख लाख धन्यवाद भगवान का, अब हमारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन ये मैग्रेगर है कौन? फिरंगी है जमींदार बाबू, फील कोठी में रहता है, धान की खेती किसी को करने नहीं देता। लेकिन अगर उसने पट्टे पे लीज पे जमीन ली है तो उसे पूरा हक बनता है कि वो चाहे जिसकी खेती करे। लेकिन सरकार, नील की खेती की एक ही फसल जमीन को बंजर बना डालती है, उसमें नील की दूसरी फसल भी नहीं हो सकती। यानी नील की खेती करना और जमीन को बंजर कर देना एक ही बात है, इसमें उनका क्या फायदा है? नील की खेती में तो फायदा ही फायदा है हुजूर। कपड़ों में इस नील के लग जाने से नई चमक आ जाती है, और पिछले कुछ सालों में अंग्रेजों को ये भी पता चल चुका है कि बंगाल की जमीन पर जितनी अच्छी नील की फसल हो सकती है दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। इसीलिए ये पैसा बनाने के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे बंगाल की सारी धरती बंजर ही क्यों ना हो जाए। पिछली बार आधे जिले में धान की खेती न होने की वजह से भुखमरी फैल गई, लोगों में इतनी ताकत भी न रही कि मैग्रेकर के जुल्मों के सामने अपनी आवाज भी उठा सके। बंगाल की जमीन को शमशान होने से बचा लीजिए, बचा लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, इस देश में कानून नाम की एक चीज मौजूद है, न्यायाधीश और पुलिस इसकी हिफाजत के लिए हैं। अगर सही तरीके से रिपोर्ट की जाए तो मैग्रेकर को रोका जा सकता है। हुजूर, एक कहावत है, गिरगिट गिरगिट को देखकर रंग बदलता है। अंग्रेज अंग्रेज का दुश्मन नहीं हो सकता है, और रहा कानून तो राजा के लिए अलग होता है और प्रजा के लिए बिल्कुल अलग। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं हो सकता। हो क्यों नहीं सकता, लेकिन आप कर नहीं सकते। अपनी प्रजा के लिए आप राजा हैं, प्रजा राजा के सामने फरियाद नहीं कर सकती तो फिर किसके सामने कर सकती है? तुम्हारा मतलब मैग्रेगर हमारी जमींदारी के इलाके में भी किसानों पर जुल्म कर रहा है? जी हाँ, पिछले साल वो हमारे इलाके का आधा हिस्सा वकील बाबू से पट्टे पर ले चुका है, और इस साल उसकी नजर बचे हुए आधे हिस्से पर है। राजा बाबू की जय। जीवन बाबू ने मुझे सारी बातें बता दी है, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगे। अब फिरंग, आप लोगों को नील की खेती के लिए जमीन देने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। मैं आपको वचन देता हूं कि आप हर साल अपने खेतों में धान की फसल बो सकेंगे, और इब्राहिमपुर में फिर से पहले की तरह शांति का वातावरण बना रहेगा। हर आदमी के पास खाने के लिए होगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब मैग्रेगर आप पर जुल्म नहीं कर सकेगा। राजा बाबू, मेरे बच्चे को वापस ले आइए। राजा बाबू, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, इस बूढ़े लाचार के इकलौते बच्चे को शैतान फिरंगी के पंजे से बचा लीजिए। राजा बाबू, क्या कर रहे हैं आप? मेरे पांव क्यों छू रहे हैं? आप तो मेरे बुजुर्ग हैं।
बताइए क्या हुआ है आपके बच्चे के साथ? मेरा बेटा जमालुद्दीन 2 दिन पहले मैग्रेगर की हवेली गया था, लेकिन तब से वापस नहीं आया राजा बाबू। मैग्रेगर का नायब मुसलदास कहता है कि वो वहां नहीं है, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं राजा बाबू? मैंने खुद उससे अपनी आंखों से उसके अंदर जाते हुए देखा है, लेकिन उसे वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा राजा बाबू। मुझे पूरा यकीन है उसने उसे कैद कर रखा है, उस पर जुल्म कर रहा है राजा बाबू। मुझे डर है कि वो उसे कहीं मार न डाले राजा बाबू, कहीं उसे मार न डाले। देखिए आप रोइए मत, धीरज रखिए और मुझे शांति से बताइए आपका बेटा मैग्रेगर की हवेली में किस लिए गया था और क्या वजह हो सकती है कि उसने उसे कैद करके रखा है? मेरा बेटा जमाल गरम दिमाग का है राजा बाबू, उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैग्रेगर की नील बोने की हिदायत के बावजूद उसने धान की फसल बोई। चश्मे बदोर, इस साल की फसल तो देखो अब्बा, अल्लाह के करम से अब हमें फाका करने की कोई नौबत नहीं आएगी। मैं फिर कहता हूँ बेटा, तूने बड़ी गलती की। अपने हुक्म की मुखालफत करने वाले का मैग्रेगर दुश्मन हो जाता है। मैग्रेगर मैग्रेगर मैग्रेगर, पिछले साल कहाँ था मैग्रेगर जब हम भूखे मर रहे थे? भूखे तो मर रहे थे मगर जिंदा रहे ना। इस बार अपने ही उपजाए हुए अन्न को खाने के लिए जिंदा रहेंगे या नहीं खुदा जाने। लो मैग्रेगर शैतान का नाम लिया और वो आ गया। अच्छा तो तुमने फिर दान बोया है, है? सरकार पेट की आग बुझाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। मैग्रेगर के हाथों का लहराता कोड़ा तुम्हारी जिंदगी का चिराग बुझा सकता है। बेटे को छोड़ दीजिए, रहम कीजिए सरकार, बेटे को छोड़ दीजिए सरकार, रहम कीजिए सरकार, मेरे बेटे को वापस ले आइए हुजूर। अगर वो जिंदा वापस आ गया तो मैं उसके साथ हमेशा के लिए यह गांव छोड़कर चला जाऊंगा, और अगर उसे इन जालिम फिरंगियों ने कत्ल कर दिया होगा तो उसे दफन करके अपना फर्ज पूरा करूंगा हुजूर। मैं आपके बेटे को वापस ले आऊंगा, मैं आपको वचन देता हूं, और यह भी वचन देता हूं कि इसके बाद मैग्रेगर ना आप पर ना गांव के किसी और पर जुल्म कर सकेगा। मैग्रेगर को संदेशा दे दो कि वो कल सवेरे घर पर रहे, मैं उसे मिलने आ रहा हूं। जी सरकार। नील कोठी चलो। चलो पालकी उठाओ। ठहरो ठहरो, यह जमीन ऐसी बंजर क्यों है? जहरीली हो गई है जमीन, इसलिए बंजर है हुजूर। चलो चलो। ठहरो, मार्केट का साहब से कहो कि जिमीदार बाबू आए हैं। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मैंने कहा ना जिमीदार साहब आए हैं। साहब का हुक्म सबके लिए है, पालकी वापस ले लो। जिमीदार साहब ऐसी जगह नहीं जाते जहां दरबान को बात करने की तमीज नहीं है। देखो जीवन सरकार, सरकार जल्दबाजी मत करो, मैं इंतजार करूंगा। सरकार ये तो बेइज्जती है। देखो मैं यहाँ कोई इज्जत पाने नहीं आया हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मेरे इलाके के लोग सताए न जाए, समझे? पालकी नीचे ले लो। अच्छा सरकार। प्रणाम जमींदार साहब, मैं गोलक दास मैग्रेगर साहब का नायब। मैं सुन चुका हूं आपके बारे में। किससे? जलालुद्दीन के बूढ़े बाप से। तब तो सरासर झूठ, आपने सुना वो बिल्कुल झूठ है। सच और झूठ का फैसला तो मैं बाद में करूंगा, पहले ये बताओ मैग्रेगर हैं? है भी और नहीं भी। क्या मतलब? वो हजूर यूं
कि आपकी राह देखते देखते उन्हें कुछ भूख महसूस होने लगी और सूखे गले से खाना पेट में डालने से पहले उन्होंने सोचा गले को कुछ तर कर ले। बस अब हजूर जान तो चीज ही ऐसी, होंठों से एक बार लग जाए तो कुछ ज्यादा ही पी जाती है। बस अब हजूर वो कुछ ज्यादा ही पी गए। मतलब वो नशे में धुत हैं अभी? जी हजूर, समझदार हैं आप, इशारा ही काफी। वो अपने नशे में सही हैं, मैं उन्हें होश में लाऊंगा। ठहरो, आओ मेरे साथ। मुझे मत कहिए हजूर, सोए हुए शेर को जगाना मेरा काम नहीं। वो कौड़ा देख रहे हैं आप? ठीक है तो मैं ही उठाता हूं। मिस्टर मैकग्रेगर। कौन है? मैं हूं गंगा नारायण सिंह। अच्छा जमींदार, क्या चाहिए? पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि जलालुद्दीन शेख और उसकी बीबी जो यहाँ पे कैद हैं, वो कहाँ पे है? यहाँ कोई नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले मैं इस हवेली की तलाशी लूंगा। पालकी उठाओ, जल्दी जल्दी, चलो चलो।